न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। न्यूज कनेक्ट की मौजूदगी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। न्यूज कनेक्ट ये जानने के लिए पहुंचा है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख क्या है। ये तो सिलसिलेवार तरीके से हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के दावों में कितना दम है और विपक्ष के जो आरोप है उनमें कितना दम है। जी भाई साहब, क्या क्या नाम होगा आपका? जॉनी। जॉनी जी, क्या माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर लोकसभा नगीना की ये सीट लगती है, यहाँ माहौल क्या दिख रहा है? सही है। किसका सही है, किसके पक्ष में सही है? बीजेपी के। सत्यपाल जी, क्या माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर आपकी सीट का? माहौल ठीक है। कैसा, किसका कैसा ठीक है? माहौल उनका ही, बीजेपी का ठीक है। यहाँ बीजेपी का है तो अच्छा। एक बात तो बताओ, बीजेपी की आप बात कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष है वो तो ये बोलता है कि बेरोजगारी फैला दी, नफरतें फैला दी, विरोध तो करते हैं, दूसरा विरोध तो करते जाते हैं, कई साल पीछे पहुंचा दिया भारत को। ऐसा कुछ नहीं, जो विपक्ष में होता वो तो बोलता ही है, दूसरे के विपरीत बोलता ही है। बीजेपी को दोगे आप तो, जो बोलना बोलने दो। कौन जीतेगा, गठबंधन या फिर बीजेपी? भैया गठबंधन तो तीसरे नंबर पर है, वैसे जो मुकाबला चल रहा है बीजेपी का और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, इनके बीच। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे आप बातचीत होती होगी कभी, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, बीजेपी में वापसी होनी चाहिए, मोदी जी होने चाहिए, फिर क्या बदलना चाहिए? अच्छा, प्रधानमंत्री का जो एक दावेदार है सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा गठबंधन का कोई दावेदार ही नहीं है। भाई साहब, क्या नाम होगा? ठीक है, सचिन कुमार। सचिन जी, क्या है माहौल? माहौल वह बीजेपी का बनना है यहाँ तो, बीजेपी का बनना, बीजेपी की पार्टी है वैसे। बीजेपी को दोगे? हाँ जी। विपक्ष में राहुल वाहुल कुछ नहीं? कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो उनके काम मोदी जी। जी जी अम्मा, हम गेंगे फूल को। फूल को यानी मोदी जी को दोगी? हाँ। अभी पूछ के आई हुआ किसी से यहाँ से? हम जानते ना। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी को देने की बात कर रही हैं, कोई बात नहीं है। तो आपसे मेरी बात हो रही थी। जी जी जी, बताओ बताओ बताओ, भाई क्यों देना है बीजेपी को, क्यों देना है बताओ मुझे। बस मोदी जी के जो कारनामे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, मतलब उनके जो कारनामे अच्छे लग रहे हैं उनके। कौन कौन से कारनामे हैं? अब जैसे कि उनका अब किसान धन योजना, किसान धन योजना हुई, मतलब और भी हैं, और फ्री सिलेंडर देना महिलाओं को। अच्छा। और सिलेंडर देना, और जैसे कि गरीबों को मतलब अनाज बांट रहे, दे रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में लगातार हम घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। न्यूज कनेक्ट आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है और लोगों से जानेंगे, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, भाई साहब क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा मेरा? हाँ जी, संजय दास। क्या लग रहा है माहौल कैसा है, कौन किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो? हम तो उसको देखना चाह रहे हैं, वो केतली वाले को। अच्छा, नहीं केतली वाला तो आपके नगीने में है, प्रधानमंत्री कौन देख बनेगा, किसको चाहते हो? का देखो, मैं तो हरियाणा में वोट पड़ेंगे जाकर। अच्छा, हरियाणा में हरियाणा का क्या माहौल है? हरियाणा का माहौल तो ये है, मोदी को चाह रहा है, मोदी को। जी अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला। कमला जी, कौन जीत रहा है, क्या माहौल है चुनाव में, क्या हो रहा है? हम तो दे ही देंगे वोट, जिसे भी देंगे। तो देंगे कमल के फूल पे, कमल के फूल को दोगे। हाँ। और बाकी और जो लड़ रहे हैं उनको नहीं? अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल हो गए हैं, उनके काम से खुश हैं आप? हाँ? उनके कामों से खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी के? तो मैं अभी आए थे, मेरे दिमाग में तो यही रहा, एक का वोट सबको दे देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप बताइए भैया, भैया क्या माहौल है, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव सही चल रहा। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या है रुख, रुख है? क्या है उत्तर प्रदेश का रुख, क्या है, किसको ज्यादा लोग वोट देने को कह रहे हैं? और कौन आ रहा? मोदी। मोदी को। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए हमने आपको ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या माहौल है, किसको ये वोट करना चाहते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, क्या माहौल है, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? हम तो मोदी को जा रहे हैं जी। तो उत्तर प्रदेश का माहौल मोदी की तरफ? हाँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आपके सीट का, देखो सबको है, हम तो हम अपने 10 साल उनको मिल तो गए, अब किसी और को भी मौका दे दो। नहीं, अच्छा काम किया ना करा तो मौका, राहुल गांधी तक लगातार कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी तो पता नहीं कुछ कह दिया, कुछ को पता गया उसका।
अच्छा, तो मोदी जी पे आरोप लगता है बीजेपी पे कि इन्होंने बेरोजगारी कर दी, देश को 10 साल कई साल पीछे पहुंचा दिया, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, और भी देशों में सरकार ने पहुंचाया सब कर्जे करे, जितना कर्जे करके जावे जो सरकार आवे। तो मतलब मोदी जी उन्हीं को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और किसी को नहीं। न्यूज़ कनेक्ट आपसे कनेक्ट है और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। हमने आपको काफ़ी लोगों की जो राय है वो दिखाई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ चुनाव में होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।